सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। जिंदगी में भागे जा रहे हैं कामयाबी की तलाश में, सुकून से ही दूर जा रहे हैं सुकून की तलाश में। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो एक्टिंग अच्छी करने लगते हैं। आज का पंचांग 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। शाम 6:28 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:34 से 11:39 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 1:54 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर ही रहेंगी। तुला राशि 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार, भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्चे से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उसे अशांति आएगी। लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। राजनीतिक लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। साथ ही घर की व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न हो सकता है। अपने अंदर के संयम को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। पुराने मित्रों के साथ हुई मुलाकात आपको जीवन से संबंधित कुछ नकारात्मक बातों का एहसास दिलाएंगी। साथ ही मित्रों के द्वारा आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप खुद के जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करेंगी। काम से संबंधित कुछ कठिन निर्णय आज आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन इन्हीं निर्णय के द्वारा आप अपने लिए यश का मार्ग खुला करने वाले हैं। पार्टनर की हर एक छोटी बात पर जरूरत से अधिक ध्यान देने की वजह से एक दूसरे के प्रति नाराजगी महसूस होगी। इन बैलेंस की वजह से सेहत में कुछ बदलाव नजर आ सकता है। कार्य भी आपके अधिक समय और ध्यान की मांग कर रहा है। नया प्रशिक्षण आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करेगा। उन लोगों के साथ खाली समय बिताकर तनाव से छुटकारा पाए जिनकी कंपनी आपको आकर्षित करती है। करीबी लोगों के साथ होने से आपकी चिंता और अकेलापन दूर होगा। आज के दिन आप अपने सभी विचाराधीन काम पूरा करेंगे, इसी कारण अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका भविष्य बहुत रोशन है। अवसर और भाग्य दोनों आपकी तरफ है। परिश्रम करें और विजय हासिल करें। बड़े सपने देखने वाले के सभी सपने हमेशा पूरे होते हैं। अधिक उठापटक से बचें, वैध के विवाद में ना पड़े। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। जिनकी हथेली भारी व फुली हुई है उनके लिए यात्रा फलदायी सिद्ध हो सकती है। धन संबंधित खतरा कम से कम उठाएं, गाड़ी ध्यान से चलाएं। किसी के दिए उधार पैसे प्राप्त करने में जोर आ सकता है, इसके लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाए। पीछे के खोपड़ी में दर्द या खिंचाव रह सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, ध्यान रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान में हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। अपना स्वभाव पॉजिटिव बनाए रखें। इस समय किसी भी तरह का लेन देन स्थगित रखना ही उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधित योजनाएं बनेगी। पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। आज आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगी। परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और
भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। आज का दिन प्यार की बहार से भरा है, जहां आप अपने साथी के साथ अंतरंग क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। अगर साथी की तलाश है तो प्रयास करते रहें, क्योंकि कोई खास जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। दुश्मन से सतर्क रहें, क्योंकि प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। काफी समय से बचा हुआ काम आज आप पूरा कर लेंगे, जिससे आपके सहकर्मी भी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। अपने साथी को कुछ समय दें और अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। जीवन के इस चरण में आपके प्रयास और क्षमता आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। यह समय आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने की आजादी देगा, इसलिए इनका पूरा लाभ उठाएं। दुश्मन और विवाद आपको आज कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको कमजोर नहीं होने देगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज पूरे होने की कगार पर हैं, जिससे आपको खाली समय मिलेगा। मौके का सही उपयोग करके अपनी करियर में चार चांद लगाएं। आप अपने आसपास के लोगों के ध्यान आकर्षित करेंगे और सब कुछ उस चीज के प्रति समर्पित कर दे जिसे जीवन कहा जाता है। आज आपके मालिक केवल वे सुनेंगे जो वे सुनना चाहते हैं, और यह स्थिति स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने से आपको रोकती है। आपके सहकर्मियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है, और ये समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है। जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा, तब आपके धन प्राप्ति के योग हैं। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधित कामों को निपटाने में ज्यादा ध्यान दें। व्यवसाय गतिविधियों को लेकर दिए गए फैसले कामयाब रहेंगे। नौकरी में किसी तरह के बदलाव या तबादले की स्थिति भी बन रही है। बात करते हैं सेहत की। आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम करने के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए, या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को और बारीकी से ध्यान रखना होगा। असंतुलित खाने की वजह से भी गैस और पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का भी सेवन करें। आज का उपाय। आज अब भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।